दोस्तों, अगर आप भी वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेंकटेश के शतक के बाद आया सूर्य और ईशान का तूफान। जी हां दोस्तों, आईपीएल के अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता के वेंकटेश ने शतक लगाकर 16 सालों के इतिहास को बदल कर रख दिया। तो वहीं सूर्य और ईशान किशन ने लक्ष्य का पीछा कर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने मुंबई का गेंदबाज इकरम दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार क्या कुछ घटा इस रोमांचक मुकाबले में, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, वेंकटेश और ईशान किशन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 22वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीम कोलकाता और मुंबई के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में पेट के दर्द के चलते रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में सूर्य ने मुंबई की कमान संभाली और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, जो लगभग सही साबित हुआ क्योंकि कोलकाता को 185 रन के स्कोर पर मुंबई के गेंदबाजों ने बड़ी आसानी से रोक दिया। आपको बता दें, कोलकाता बिना कोई बदलाव और मुंबई 3 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। आपको बता दें, कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत नारायण जगदीशन और रहमतुल्ला गुरबाज की विस्फोटक सलामी जोड़ी ने की, तो दूसरी तरफ से मुंबई के लिए गेंदबाजी की शुरुआत पदार्पण करने वाले गेंदबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने की, जहां पर उन्होंने पहली ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन दिए और बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया, साथ में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत भी दिला दी। लेकिन इसी बीच 11 रन के स्कोर पर ग्रीन ने मुंबई को पहली सफलता दिलाई, जहां पर उन्होंने दूसरे ओवर में नारायण जगदीशन को 5 गेंदों पर बिना खाता खोले ऋतिक शौकीन के शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश मैदान पर आए। तो वहीं उन्होंने टीम को संभाला और आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन दूसरी तरफ से पीयूष चावला ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में रहमतुल्ला गुरबाज को 13 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाने के बाद यानसेन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नीतीश राणा आए। तो वहीं पावर प्ले में 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने बनाए। इसी बीच नीतीश राणा ने टीम को संभाला, परंतु 9 ओवर में ऋतिक शौकीन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नीतीश राणा को 10 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट बाउंड्री पर कर दिया, जिसके बाद ऋतिक शौकीन और कप्तान नीतीश राणा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि 73 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद टीम को वेंकटेश और ऊपर बल्लेबाजी करने भेजे गए शार्दुल ठाकुर ने संभाला। इस दौरान वेंकटेश ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने मिलकर टीम को संभाला। लेकिन इसी बीच 13 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए आए ऋतिक शौकीन ने शार्दुल ठाकुर को अपनी फिरकी में फंसाकर तिलक वर्मा के द्वारा शानदार कैच के चलते कैच आउट कर दिया। इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने 11 गेंदों पर एक चौके की मदद से 13 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह मैदान पर आए। इस बीच दूसरी तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश ने 17 ओवर में 49 गेंदों पर अपने आईपीएल इतिहास का पहला शतक लगाया और कोलकाता की तरफ से ब्रेंडन मैकलम के बाद शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने और 15 साल के बाद कोलकाता के लिए किसी ने शतक लगाया है। हालांकि शतक लगाने के तुरंत बाद वो अपना विकेट 18 ओवर में रिले मेरेडिथ की गेंद पर यानसेन के हाथों कैच दे बैठे। इस दौरान वेंकटेश ने 51 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। इस बीच 204 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 6 चौके और 9 छक्के लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसल मैदान पर आए। लेकिन इसी बीच 19 ओवर में यानसेन ने रिंकू सिंह को अपना निशाना बनाकर आईपीएल का पहला विकेट लिया, जहां रिंकू सिंह को उन्होंने 18 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 18 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े नेहाल वडेरा के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सुनील नारायण मैदान पर आए और पारी की समाप्ति तक सुनील नारायण ने 2 गेंदों पर 2 और आंद्रे रसेल ने 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर कोलकाता की टीम ने 185 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर मुंबई की टीम की तरफ से ऋतिक शौकीन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा यानसेन, पीयूष चावला, ग्रीन और रिले मेरेडिथ को 1-1 विकेट मिला। हालांकि 186 रन का लक्ष्य मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको रोकना कोलकाता के लिए नामुमकिन भी नहीं था। ऐसे में 186 रन का पीछा करने के लिए मुंबई की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रिले मेरेडिथ की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ की, तो दूसरी तरफ से कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर की जगह पर सुयश शर्मा की एंट्री इंटक प्लेयर के तौर पर हुई। इसी बीच पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जहां पर उमेश यादव ने रोहित शर्मा को परेशान किया और पहले ओवर में मात्र 2 रन बनाने दिए। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर के सामने ईशान किशन ने लगातार 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बटोर कर शानदार शुरुआत की। तो वहीं तीसरे ओवर में उमेश यादव को निशाना बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने छक्के और चौके की बारिश करते हुए 17 रन बटोरे। इसी बीच विकेट निकालने के लिए कप्तान ने फिरकी गेंदबाज सुनील नारायण को आमंत्रित किया, लेकिन उनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 22 रन बटोर लिया। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में 65 रन के स्कोर पर शर्मा ने मुंबई को पहला झटका दिया। इस दौरान रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन बनाने के बाद उमेश यादव के हाथों शानदार कैच के चलते पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस
उसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य आए, जिन्होंने अपना खाता शाही अंदाज में खोला और चौके के साथ ईशान किशन ने 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी बीच वरुण चक्रवर्ती ने 8 ओवर में ईशान किशन को 25 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 58 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए और इसी के साथ 8 ओवर में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई ने बनाए। और जिस अंदाज से मुकाबला चल रहा था उसे देख लग रहा था कि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा और अंत में मुंबई जीत हासिल कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब